यूपी इलेक्शन, जेवर में जैन चौधरी और अवतार सिंह भड़ाना का ऐलान, मिहिर भोज पर होगा एयरपोर्ट का नाम। जेवर एयरपोर्ट का नाम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर, साथ ही एक विशाल प्रतिमा स्थापित करने का यह संकल्प आज जेवर के मंच से जैन चौधरी ने लिया। अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि यह हमारे पूर्वजों के लिए सम्मान की बात है, इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। अवतार सिंह भड़ाना के जरिए रालोद ने ये बड़ा दाव खेला है। रालोद ने अवतार सिंह भड़ाना को जेवर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। इसके जरिए रालोद ने गुर्जर बिरादरी के वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। चौधरी जैन सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सपा रालोद गठबंधन के तहत जेवर विधानसभा सीट से उन्होंने अवतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया है। अवतार सिंह भड़ाना के जरिए रालोद ने गुजरों को साधने की कोशिश की है। जेवर में जैन चौधरी और अवतार सिंह भड़ाना ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार आने पर जेवर एयरपोर्ट का नाम मिहिर भोज के नाम पर किया जाएगा। इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सिनेमा जगत के लिए बेहद दुखद खबर है। कई दशकों से अपनी मधुर आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। लता जी ने सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली। ब्रिज कैंडी अस्पताल के अनुसार लता दीदी का निधन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ। लता दीदी का अंतिम संस्कार मुंबई में स्थित शिवाजी पार्क में किया जाएगा। शिवाजी पार्क पहुंचा लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर। श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई पहुंचे पीएम मोदी। शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ है। उनका पार्थिव शरीर अपने अंतिम समय में तिरंगे में लिपटा हुआ है। लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ, शरद पवार व सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन आदि कई लोग पहुंच गए हैं। उनके अलावा पीयूष गोयल भी शिवाजी पार्क में ही मौजूद है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच गए हैं। लता जी के निधन के बाद घोषित 2 दिन के राष्ट्रीय शोक के चलते राष्ट्रपति भवन और संसद भवन के राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। सिद्धू से जीत गए चन्नी। राहुल बोले, गरीब घर का बेटा चन्नी ही होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आखिरकार पंजाब में कांग्रेस का सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस से सीएम का चेहरा होंगे। राहुल ने कहा कि चन्नी गरीब घर से हैं, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। 3 महीने के कार्यकाल में हर किसी ने देख लिया, चन्नी गरीब जनता के लिए काम करते हैं। राहुल ने सिद्धू और सुनील जाखड़ की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कई हीरे हैं, इन हीरों में से एक को चुनना आसान नहीं था। सिद्धू के खून में भी पंजाब दिखेगा। राहुल ने कहा कि पंजाब के लोगों ने कहा कि मुझे गरीब घर का बेटा ही मुख्यमंत्री चाहिए, जो गरीबों की आवाज़ बन सके, गरीबों के दर्द को समझ सके।